भी इंटरनेट पर हेयर ग्रोथ रेमेडी ढूंढ रहे हैं, सालों से जो हेयर ग्रोथ रुकी हुई है उसे बढ़ाने की फिराक में है, क्या आपको भी सीवियर हेयर फॉल हो रहा है और बहुत सारे नुस्खे ट्राई कर चुके हो लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है? तो आज की वीडियो है चैलेंज मेरी तरफ से आपके लिए। पहली ही एप्लीकेशन में आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जी हाँ, टेक दिस चैलेंज, ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही सिर्फ हेयर ग्रोथ होगा और आप देखेंगे कि वाह, आज तो एक भी हेयर फॉल नहीं हुआ। जी हाँ, ऐसा डेफिनेटली होगा, लेकिन आपको उससे पहले वीडियो को ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके बाद आपको खुद से चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। एंड आई एम श्योर कि आप सभी कमेंट करेंगे कि आज तो एक भी हेयर फॉल नहीं हुआ और सिर्फ धीरे धीरे हेयर ग्रोथ होगी। सो एवरीबॉडी, क्या आप सभी तैयार? लेकिन उससे पहले देखना है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और आप सभी खुद से देखेंगे और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव होंगे। तो जो लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं या जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि माय नेम इज़ प्रियंका। मेरे चैनल का नाम है प्रियंका लक्षकार और मैं अपने चैनल के ऊपर स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ। आपको अगर इससे रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर विजिट करिए, वीडियोस देखिए, आपको इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिलेगी। और आपको फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आपके भी सिर्फ हेयर ग्रोथ होगा, नो हेयर फॉल। आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। फर्स्ट आपको चाहिए, आपको आधी कटोरी मेथी दाना लेना है और सेकंड आपको आधी कटोरी साबुत चावल लेना है। आपको टुकड़ी वाला चावल नहीं लेना है, साबुत चावल लेना है और इसे पानी डाल करके आपको पूरी ओवरनाइट आपको भिगोकर रख देना है। जिनके बाल बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं उन्हें ये रेमेडी लगाना जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, क्योंकि मेथी दाना आपके बालों की फास्ट हेयर ग्रोथ करता है और आपके बालों को बहुत लंबा और मजबूत घना बनाता है। अब ओवरनाइट छोड़ने के बाद में आप देखोगे कि इसके पानी का कलर चेंज हो जाएगा, ये येलो कलर का बन जाएगा, मतलब इट मीन्स कि ये पूरा अच्छी तरह से भीग चुका है। अब इसे भीगने के बाद में आपको मिक्सी में इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसका एक अच्छा सा बढ़िया सा फाइन पेस्ट रेडी हो जाएगा। अगर आपके बालों में वॉल्यूम नहीं है, घने नहीं है, तो मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने बालों का दो पार्टीशन बना लेना है और अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लेना है। आपके बाल उलझे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि उलझे हुए बालों में फिर ये अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकेंगे हम। बालों को सुलझा करके अच्छे से आपको एक एक लेयर बाय लेयर अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आप अपने फ्रंट वाले हिस्से में ऊपर की तरफ यहाँ अच्छे से अप्लाई कर लें, क्योंकि हम लेयर बाय लेयर अप्लाई करेंगे तो हमको इसी के ऊपर जूड़ा बनाना है। तो फर्स्ट लेयर में अप्लाई कर लिया, सेकेंड लेयर में अप्लाई कर लिया, अब एक एक लेयर से हम जूड़ा बनाते जाएंगे कुछ इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिख रहा है। आपको ऐसे राउंड राउंड करके आपको जूड़ा बनाते जाना है एक एक लेयर का। मेथी दाना में प्रोटीन व निकोटिनिक नामक एसिड होता है जो आपके बालों को अंदर से पोषण देता है। इससे आपके बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट होते हैं। बाल झड़ने की जो समस्या आती है ना वो भी दूर होती है। और बालों से जुड़ी समस्या अगर आपको है तो आप मेथी दाना का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, आपके बाल डैमेज होने से भी बचेंगे और आपके बाल रेशमी काले घने लंबे भी होंगे और आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बिकॉज इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। और चावल आपके बालों को जो है वो सॉफ्ट सिल्की शाइनी बनाता है। इन दोनों का मिक्सचर जो है आपके बालों की डबल हेयर ग्रोथ करता है। अच्छे से आपको पूरे पेस्ट को अपने सारे बालों के ऊपर अप्लाई कर लेना है और इसे 2 घंटे के लिए आपको लगा करके छोड़ देना है ताकि आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिले। 2 घंटे बाद आपको हेयर वॉश कर लेना है और आपको गीले बालों के अंदर कॉम्ब नहीं करना है, सूखने के लिए छोड़ दें। हे गाइस, तो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको ये ज़रूर ट्राई करना है, सप्ताह में आप 2 बार इसे लगाना स्टार्ट करो। आई एम श्योर कि आपके बालों की सिर्फ हेयर ग्रोथ होगी, आपके बालों को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है अगर आप इस रेमेडी को रेगुलर यूज़ करते हो तो। आपको ज़रूर रेगुलर यूज़ करना है जिससे आपके बाल घुटनों तक लंबे होंगे। 2 से 3 महीनों के अंदर ही आपको इसका इतना अच्छा रिजल्ट दिखेगा
कि आप मुझे कमेंट में आके फीडबैक ज़रूर बताओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपको एक लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि मैं भी पॉजिटिविटी के साथ आगे वीडियो बनाती रहूं और आपके लिए नए नए वीडियो लाती रहूं। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।